की करते हैं। इंदौर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने यह दावा किया है कि इस बार एमपी में बीजेपी सभी 29 सीटों को जीत लेगी। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। मध्य प्रदेश में 12 से 15 लोकसभा सीट जीतने के कमलनाथ के दावे पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर उनको क्या कहना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानते हैं कि इस बार छिंदवाड़ा की सीट बचाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल है। राकेश सिंह राहुल गांधी की न्याय यात्रा को भी निशाने पर लिया। जी अब ये नहीं कहें तो वो क्या कहें। बड़ी मुश्किल से वो अपनी स्थिति को बचा पाए और ये कहना उनके लिए आवश्यक भी है और जरूरी भी। और आप देखिए कमलनाथ जी कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम 29 में से 29 सीटें जीतेंगे या 28 सीटें जीतेंगे या 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस अपनी हार पहले ही मान चुकी है। वो जानती है कि इस बार तो 29वीं सीट जो छिंदवाड़ा की है वो भी कांग्रेस को बचाना कठिन है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही पार्टी कर देगी। वीडी शर्मा ने यह दावा किया कि इस बार छिंदवाड़ा से बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। मोदी जी का मंत्र पूरी तरह से सफल होगा। एमपी में 12 से 15 सीट जीतने के कमलनाथ के दावे पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि कमलनाथ जी मजाक कर रहे हैं। इस उम्र में इस तरह का मजाक अच्छी बात नहीं। वहां की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया है। विधायकों को मैदान में उतारने की कांग्रेस की योजना पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। वाला को लेकर के एक ही प्लान है और वो प्लान है इस बार 29 सीटों में ऐतिहासिक बहुमत से कोई सीट जीतेंगे तो छिंदवाड़ा जीतेंगे और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का हमारा संकल्प है। 370 वोट प्रधानमंत्री ने कहा है वो जड़ी बूटी छिंदवाड़ा में ज्यादा काम करेगी। तो इसलिए हम वहीं पर मैदान में अधिकांश बूथों पर हम चुनाव जीते, हर बूथ पर हमारा संकल्प। मैं तो यही चीज कह सकता हूँ कि इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है क्या? और कमलनाथ जी को अभी इस उम्र में मजाक सूझ रहा है। कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं तो छिंदवाड़ा की जनता जानती है। उन्हें सहृदय ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकारा नहीं, आपको यहाँ से रवाना किया है मध्य प्रदेश। और उन्होंने कहा भी कि मैं चला जाता हूँ हाथ जोड़ करके, मैं अगर आपकी इच्छा है तो मैं चला जाता हूँ, तो खुद कहने लगे हैं। इधर नरसिंहपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि गौ माता संरक्षण को लेकर तय किया गया है कि गौ वर्ष मनाया जाएगा। इसके साथ ही 20 रुपए की जगह 40 रुपए प्रति गाय अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि चरनोई की भूमि को 100% हटाने का संकल्प हम सब ने लिया है। गौ संरक्षण के लिए कानूनी परिवर्तन जरूरी है, उस पर बड़ी चर्चाएं हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 5 विभाग एक साथ मिलकर गौ संवर्धन के लिए काम करेंगे। आस्था रखने वाले लोग हैं और जब कभी हम सड़कों पर देखते हैं तो दुख भी होता है, कई बार हमारी नाराजगी सार्वजनिक रूप से व्यक्त भी होती है। और हम सबको लगता था, मैं नरसिंहपुर जिले का उदाहरण देता था कि यहाँ पर गौवंश छूटता नहीं है, लेकिन आप भी उस कलंक से मुक्त नहीं है, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने जो फैसले किए कि जैसे ही वर्ष प्रतिपदा आएगी क्षेत्र में, एक पूरा विक्रम संवत का जो वर्ष है वो गौवर्ष के रूप में मनाने का मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया। श्योपुर में